सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर। सागर जिले के देवरी क्षेत्र के मड पेपरिया समिति केंद्र से बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया, जहां व्यापारी की गोदाम से निकला 60 क्विंटल चना किसान का बताया गया। गुरुवार की दोपहर 60 क्विंटल चना ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर देवरी तहसील के महाराजपुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर खिकरिया जाने वाली सड़क पर स्थित एक गोदाम से लाया गया था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और यह गोदाम एक गल्ला व्यापारी की बताई जा रही है। जब इसकी जानकारी लगी तो नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक मौके पर पहुंचे और ड्राइवर से पूछताछ की, जिसमें उसने पहले ये चना अपना खुद का बताया और फिर बाद में अपने रिश्तेदार का, जिसके बाद मामला कुछ गड़बड़ नजर आया। वहीं जब इस सब के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और कई देर तक संबंधित लोगों से बात भी की, पहले तक चने को लेकर असमंजस की स्थिति थी और ऐसा बताया गया कि इसमें जमकर लीपापोती भी की गई है और मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया। आखिरकार इस सब के बाद अधिकारियों ने 60 क्विंटल चने को एक किसान का बताया। ट्रैक्टर से कुछ चना आने की जानकारी मिली थी कि व्यापारियों का है, मौके पर पाया ट्रैक्टर के कागजात, तो जो ड्राइवर से चना बेचने हेतु उपार्जन केंद्र के पंजीयन के कागजात मिले, वो 3 किसानों के थे, वो किसान भी मौके पर मौजूद है। उनके कागजात सही पाए जाने से उन्हीं किसानों की सुपुर्दगी में ट्रैक्टर। उनके सर मैसेज आया था क्या? मैसेज नहीं, किसी ने खबर दे दी थी व्यापारी का किसी का चना बिकने आ रहा है। उनके लिए हाँ SMS चेक, उनके SMS भी है उनके पास, केंद्र क्रमांक 1 मड़पेपरिया मंडी देवरी, उनके पास SMS भी है आज के लिए और उनके पास खरीदी केंद्र की पर्ची भी। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और देवरी से विधायक हर्ष यादव ने भी खरीदी केंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जिस तरह की खबरें चना खरीदी केंद्रों पर, चाहे वो मड़पेपरिया की बात हो, चाहे बेलनाना की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में चना खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, खासतौर से कल जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक जो खरीदी केंद्र है मड़पेपरिया का मामला संज्ञान में आया है, उच्च अधिकारियों को से संपर्क करने के बाद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा होना उठाया जाना, ऐसे कर्मचारी जो नायब तहसीलदार हों चाहे अन्य अधिकारी कर्मचारी हों, उनकी संलिप्तता संदिग्ध साबित होती है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से पत्रकार भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा मामला, सरकार का जो घोटाला चल रहा है चना घोटाला, व्यापारियों का चना बड़े दामों पर खरीदा जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनको नियमों का तकाजा देकर हवाला देकर बरगलाया जाता है, उसमें भी बड़े स्तर पर दलाली चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से लेकर प्रदेश के अन्य मंत्रियों को, किस तरह का बदव्यवहार गलत व्यवहार किसानों के साथ यदि किया जाएगा तो मध्य प्रदेश का किसान शांत रहकर समझौता करने वाला नहीं है, लोगों पर आकर सड़क पर आकर इसका आंदोलन करेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने में पूरे प्राण पर से 24 विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। और ऐसे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार का आचरण त्याग कर किसी के दबाव में, राजनीतिक दबाव में एक गलत निर्णय की परिपाटी बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बात होंगे। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।